फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो है बहुत ही सुंदर, सर्दियों के बहुत ही सुंदर पत्तों वाले प्लांट कोलियस के बारे में। और आप देख सकते हैं ये प्लांट वैसे तो पूरे साल भर रहता है, लेकिन ये सर्दी में जो है आप इसको ला करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाके में रहता है तो अच्छे से रहता है। ठंडा इलाका मतलब अगर आप इसको ठंडी जगह पर रखेंगे तब ये बिल्कुल ठीक रहता है। यही कारण है कि ये सर्दियों में बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर आपने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया है तो आप इसको ज़रूर लगाएं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और काफ़ी सारी वैरायटी इसकी आती है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इसके कुछ ऐसे टिप्स जिसके द्वारा आपका कोलिया जो है वो हरा भरा, स्वस्थ और रंगीन बना रहे। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स की मेरे पास क्वेरी आती है कि उनके कोलियास के पत्ते जो हैं वो उतने सुंदर कलर के नहीं हैं जितने की होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेरे कोलियास के पत्ते, ये पिछले साल का है, पिछले साल से भी पिछले साल, हाँ 2 साल हो गए हैं इस कोलियस को, ये 3रा साल है। और कोलियस को अगर आपने सर्दी में बचा लिया, गर्मियों में बचा लिया सॉरी, अगर क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर क्या होता है ये प्लांट मर जाता है अगर आपने इसकी केयर नहीं की, लेकिन अगर आपने इसको गर्मियों में बचा लिया तो आपका ये पूरे साल बना रहता है। तो मेरा ये 2 साल पुराना पौधा है और मैं कैसे देखभाल करती हूँ वही मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लांट के ऊपर, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, कि इसके ऊपर आप कभी भी डायरेक्ट पानी स्प्रे ना करें। आपने देखा होगा मेरे प्लांट के पत्ते, चाहे ये इतना पुराना है, काफ़ी साल पुराना है, लेकिन इसके पत्ते अभी भी कितने सुंदर और कलरफुल बने हुए हैं आप देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके पत्तों के ऊपर डायरेक्ट पानी का स्प्रे नहीं किया जाता। हालांकि इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोलियस में किसी तरह का पेस्ट वगैरह है तभी उसी कंडीशन में आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करें। डेली रूटीन में आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे बिल्कुल ना करें, तो इसी वजह से आपका कोलिया जो है हरा भरा और स्वस्थ बनेगा। दूसरी बात करूंगी, जो इसके इस टाइप के जो पीले पत्ते होते हैं ये वाले आप बिल्कुल भी पौधे में ना रहने दें। ये क्या होता है, इसे बहुत जल्दी इसकी जड़ खराब होने लगती है, तो इसको भी निकालते रहें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कोलियस का प्लांट जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही आप इसको थोड़ा अगर ज़ोर से वो कर देंगे, दबा देंगे, मतलब प्रेस कर देंगे, तो आपका कोलियस का जो होती है वो टहनी टूट जाती है। तो इसको ध्यान रखें इसका, कि अगर ये लेगी सा हो रहा है तो इसके अंदर, जैसे मेरा भी ये हो रहा है, हालांकि मैंने इसके अंदर एक स्टेम डंडी लगा रखी है इसको रोकने के लिए, तो बांध ज़रूर दें जिससे कि ये लेगी होकर के झुक करके टूट ना जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके कोलियस में इस तरह के फ्लावर बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये वाले जो फ्लावर बनते हैं, तो इनको बिल्कुल भी ना रहने दें, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे जैसे आपके कोलियस में फ्लावर बनते हैं आपका कोलियस बूढ़ा होने लगता है, जी हाँ पुराना होने लगता है और ख़राब हो जाएगा, और ये कुछ टाइम के बाद में आपका सूख जाएगा, नई ग्रोथ भी नहीं बनेगी। तो जितने भी ये फ्लावर होते हैं ये मैं तोड़ देती हूँ, इससे क्या होता है ये ऊपर बढ़ने की जगह नीचे से इसकी स्टेम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो टाइम टाइम पर ये तोड़ देना चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो आप फूल देख रहे हैं इस फूल के अंदर इसके बीज होते हैं, तो आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पौधा ही ले आएं, क्योंकि ये नर्सरी में बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है, 30 से 40 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। और कोशिश करें कि छोटा सा ही पौधा लेकर के आएं, और वैसे तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, और मैंने कटिंग से 3-4 पौधे बनाए हैं, इसके गमले बनाए हैं, और 2-3 तो मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं, और एक मैंने अपने पास अलग से रखा हुआ है, वो आपको दिखा देती हूँ। तो कटिंग से अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये कटिंग से लग जाएगा। और आजकल तो मौसम भी ऐसा है कि अगर आप इसको कटिंग से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये लग जाएगा, और कटिंग से लगाने के लिए जल्दी इसकी ग्रोथ हो स्टार्ट, उसके लिए मैं आपको एक टिप और बता रही हूँ कि आप इसको कोलियस को आप जो लगाएं वो कोकोपीट में लगाएं। तो अभी दिखाती हूँ दूसरी कटिंग, देखिए ये है मेरा दूसरा कोलियस, और इसमें 2 वैरायटी मैंने लगाई हुई हैं, एक तो इस टाइप के पत्ते हैं इसके, और दूसरी कोलियस की वैरायटी ये है। तो एक ही डब्बे में मैंने दोनों कोलियस की वैरायटी लगा दी थी,
और अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा डब्बा है प्लास्टिक का, और इसमें कितने अच्छे से मेरी कोलियस जो है वो ग्रो कर रहा है, और पत्ते भी देखिए कितने सुंदर कलरफुल है। वैसे बहुत सारी वैरायटी आती है कोलियस की, तो अगर आप जैसे ये मुझे मिल गई तो मैंने ये लगा दिए, पिंक कलर का कोलियस भी आता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर में आपको नर्सरी पर देखने मिल जाएगा, 30 से 40 रुपये का आसानी से मिल जाता है, कई कई जगह तो और भी सस्ता है, वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, तो इसको ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़ मैं एक पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि पानी इसमें सिर्फ और सिर्फ तभी दे जब आपको इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई लगे। अब ये देखिए मेरा प्लांट काफ़ी बुशी है, इसमें गमले में से वो भी दिखता नहीं है, ये देखिए अब इसकी मिट्टी सूख गई है, देखने में ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ पहले इसको ऐसे चेक करके देखें और उसके बाद में तभी इसमें पानी दें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे इसमें प्लांट में तो ये प्लांट जो है सड़ जाता है। तो पानी का स्पेशली ध्यान रखना है आपने। आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।